लम्बोर्गिनी अवेंटाडोर SVJ रोडस्टर 63। पहले तो करीब से थोड़ा देखते हैं गाड़ी को। फ्रंट बम्पर आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें नॉर्मल अवेंटाडोर से। इसमें फुल कार्बन फाइबर स्प्लिटर है और जगह जगह आपको 63 लिखा हुआ नज़र आएगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखें दरवाजे पर भी लिखा हुआ है और इंटीरियर में भी आप झाँकें तो यहाँ पर सीट्स के बीच में भी नज़र आ रहा है। तो ये रोडस्टर मॉडल है अवेंटाडोर का। इसमें आप छत हटा सकते हैं, कुछ मॉडल्स में छत नहीं हटा सकते, वो कूपेस कहलाती हैं। अच्छा, प्लस आप चूज़ कर सकते हैं कुछ मॉडल्स में के जो पैनल्स हैं इसमें वो उसमें कार्बन फाइबर हो या आप पेंट करवा सकते हैं। तो इस वाली गाड़ी में अभी कार्बन फाइबर हैं जिसमें पेंट नहीं है। तो ये सब एयर इंटेक्स जो हैं वो इंजन में हवा भेजते हैं। यहाँ पर रेडिएटर भी दिया हुआ है दो, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर, और प्लस यहाँ पे भी छोटा सा एयर इनटेक दिया हुआ है। तो ये सब हवा अंदर भेजते हैं इंजन को ताकि वो इंजन को ठंडा रख सकें। इसमें जो इंजन है वो एक 6,500 cc का V12 यानी 12 सिलेंडर इंजन है और वो 770 hp बनाता है। तो ये अवेंटाडोर का सबसे पावरफुल मॉडल्स में से है। प्लस पूरा इंजन कवर जो है वो भी कार्बन फाइबर का बना हुआ है। तो कुछ गाड़ियों में कार्बन फाइबर होता है, कुछ गाड़ियों में कार्बन फाइबर नहीं होता। कार्बन फाइबर वाला मॉडल ज़्यादा महंगा होता है। प्लस इसमें जो पीछे का विंग है वो भी फुल कार्बन फाइबर है और बहुत ही एडवांस्ड विंग है। इस पूरी गाड़ी में एक बहुत ही एडवांस्ड एरोडायनामिक सिस्टम है और लम्बोर्गिनी उसको कहते हैं ALA यानी एडवांस्ड लम्बोर्गिनी एरोडायनामिक्स। इसीलिए यहाँ पे एक लोगो भी दिया हुआ है ALA का, देख सकते हैं वो शेप भी दिया हुआ है इसमें गाड़ी का और इटालियन फ्लैग के भी कलर्स हैं। तो क्या है ये ALA? बेसिकली ये गाड़ी की पूरी एरोडायनामिक्स कंट्रोल करता है, किस वक्त लेफ्ट साइड से हवा अंदर जानी चाहिए, किस वक्त राइट साइड से हवा अंदर जानी चाहिए, वो सब गाड़ी के अंदर फ्लैप्स हैं और कंप्यूटर सिस्टम है, वो सब चीज़ें जो है गाड़ी को खुद ही हैंडल करता है, ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता। पीछे का बम्पर भी फुल कार्बन फाइबर है और ये गाड़ी फुल ब्लैक नहीं है, इसमें बहुत ही खूबसूरत बारीक ब्राउन कलर की लाइन्स हैं। और इस शोरूम में और भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ जो कि इस अवेंटाडोर से भी कहीं ज़्यादा महंगी हैं। प्लस इसी गाड़ी के पीछे एक और अवेंटाडोर है, ये कूपे है और ये भी 63 एडिशन मॉडल है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है ये 63। ये नॉर्मल SVJ है और पीछे की येलो कलर की एक और SVJ है और साथ में ही तीन लम्बोर्गिनी की फोर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं। उनका नाम है उरुस, ये ब्लैक कलर की, और इस ब्लैक कलर के साथ ये है एक लम्बोर्गिनी हुरकन। ये हुरकन छोटा मॉडल है अवेंटाडोर का और ये जो ग्रे कलर की जो आपको फोर व्हील ड्राइव नज़र आ रही है ये मॉडिफाइड है, कंपनी उसका नाम है मैंसरी, उसने मॉडिफाई किया हुआ है। ये नॉर्मल उरुस है। तो मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी ये सब लम्बोर्गिनीज़ की और बाकी जो गाड़ियाँ आपको इस शोरूम में नज़र आ रही हैं। तो क्या है ये 63 एडिशन? बेसिकली ये सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जिसपे 63 का जो है लोगो लगा हुआ है और बस यही फ़र्क है इसमें। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये 63 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 of 63 लिखा हुआ है, अवेंटाडोर रोडस्टर SVJ 1 of 63 इटालियन में लिखा हुआ है। तो 63 रोडस्टर्स यानी छत के बगैर वाली गाड़ियाँ और 63 कूपेज छत के साथ वाली गाड़ियाँ हैं। तो बस ये फ़र्क है। टॉप स्पीड इसकी होगी तकरीबन 350 से 360 तक की, और ये गाड़ी खड़े खड़े 100 km/h तक जाती है आराम से 3 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसी तरह मेरे पास बहुत सारी और सुपर कार्स, हाइपर कार्स, लग्जरी कार्स की फोर व्हील ड्राइव्स की भी वीडियोज़ हैं। एक नज़र ज़रूर जाके मेरे चैनल पर देखिएगा, आपको यकीनन मज़ा आएगा।